जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र करेंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का कृषि एवं संबंध क्षेत्र, जो आर्थिक आर्थिक परिदृश्य चैप्टर का एक सब चैप्टर है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तो हम लोग देखते हैं आज का जो पहला सेशन है, सेशन का पहला टॉपिक है बागवानी फसलें, जिसमें प्रथम अग्रिम अनुमान 2021 और 22 के विषय में देखते हैं। 28 मार्च 2022 को कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा बागवानी फसलें, जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में 2021-22 हेतु प्रथम अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम अनुमान जारी किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 333.3 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020 और 21 के अंतिम अनुमान कितना था उस समय 334.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 1.35 मिलियन टन कम है। ठीक है, तो इस वर्ष कमी आई है थोड़ा बहुत उत्पादन में, बागवानी फसलों के उत्पादन में। और वर्ष 2020-21-22 में फलों का उत्पादन लगभग 102.9 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि विगत वर्ष का उत्पादन था कितना 102.5, तो थोड़ा सा अधिक आने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में सब्जियों का कुल उत्पादन की बात किया जाए तो कितना अनुमानित है, 199.9 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि विगत वर्ष में कितना था 210.4 मिलियन टन था। अगर अब प्याज की बात करें, प्याज का उत्पादन वर्ष 2021-22 की बात करें तो 26.6 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2021-22 में कितना था, कितना अनुमानित है 31.1 मिलियन टन है, जो कि बहुत लगभग 5 मिलियन टन ज़्यादा अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आलू का उत्पादन अगर बात किया जाए तो 2020-21 में था कितना था, 56.2 था, अभी अनुमानित किया गया 53.6 मिलियन टन, जो कि पहले से कम अनुमानित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अभी देखे हैं बागवानी फसलें जिसमें प्रथम अग्रिम अनुमान दिखाया गया था, अब देखते हैं बागवानी फसलें जिसमें जो वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान है उसको देखते हैं। 2020-21 में कुल बागवानी रिकॉर्ड उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2019-20 के कुल उत्पादन की तुलना में 14.13 मिलियन टन अधिक है। फलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 102.808 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का अनुमानित तुलना में क्या है, 188.28 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 6.5% का वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ठीक है, 2019-20 में अगर बात करें 26.09 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में प्याज का उत्पादन जो है इस बार 26.64 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। और वर्ष 2020-21 में 56.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड का आलू का अनुमान है, जो कि 19-20 की तुलना में 7.61 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, तो आप इन अंतिम रिपोर्ट इस ग्राफ से देख सकते हैं, 19-20, 20-21 और अग्रिम अनुमान जो लगाया गया है 21-22 का, उसको आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मिलियन कितना मिलियन टन हेक्टेयर में है, ये हमारा प्याज का है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी रिपोर्ट, जारी किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? इसका शीर्षक सबसे पहले देखते हैं, शीर्षक क्या है, डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल आर स्टिमुलेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस, इसका शीर्षक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया गया है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं CII, इसका शॉर्ट नेम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं एवं अमेरिकी प्रबंधन परामर्श कंपनी, जिसका नाम है बेन एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उपक्षेत्र है,
इस क्षेत्र में 2019-20 की कुल ग्रामीण जीडीपी में लगभग 37%, लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। साथ ही यह क्षेत्र 350 मिलियन कुल कार्यबल का 68% लोगों को रोजगार देता है। विगत 5 वर्षों में 2015 और 20 के दौरान 11% की वृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि दर के साथ कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी वृद्धि करने वाला क्षेत्रों में से एक है। मुख्य फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान लगाते हैं। 16 फरवरी 2022 को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसल के उत्पादन के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स जारी किया गया। 2021-22 के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2020-21 के दौरान 310.74 मिलियन टन की तुलना में इतना 5.3 मिलियन टन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट में देखते हैं, 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन था अनुमानित है 21-22 में 127.93 मिलियन टन, जो 5 वर्षों 2016 से 17 और 20 से 21 के औसत उत्पादन 116.44 मिलियन टन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है, चावल के उत्पादन में अधिक है। और 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 111.232 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों के उत्पादन औसत उत्पादन 103.88 मिलियन टन की तुलना में 7.744 मिलियन टन अधिक है। अब देखते हैं, 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 23.82 मिलियन टन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा, इसको आप देख लीजिएगा तिलहनों का भी। मिथिला के मखाना को मिला जीआई टैग। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है। तो देखते हैं, दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जीआईआर, ने बिहार के मखाना को नाम बदलकर क्या बोला, मिथिला मखाना करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए उत्पादन को जीआई टैग भी दिया गया है। सितंबर 2020 में सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ की ओर से बिहार का मखाना का नाम मखाना मिथिला मखाना करने के लिए जीआई रजिस्टर को पत्र भेजकर आवेदन किया था। ठीक है, साथ ही इसकी पहचान और सुरक्षा के अलावा उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगों में संशोधन का सुझाव दिया है। भारत में इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में भी होती है। बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन में लगभग 80 से लेकर 85% योगदान करता है, और रेस्ट का 20% अन्य स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, ये सब करते हैं। बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादन जो जिला है, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, जो मिथिला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, अररिया हो गया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार है। अब देखते हैं कृषि उड़ान 2.0 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। कृषि उड़ान 2.0 योजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी, जिसका नाम है आई क्लास, तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 की बात करें तो 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मंजूरी दिया है।
देखते हैं 2022-23 के लिए जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर एवं सरसों में प्रत्येक में 400 रुपये प्रति कुंटल के लिए की गई है, वृद्धि की गई है। वही सबसे कम वृद्धि जो की गई है जौ में की गई है, 35 रुपये प्रति कुंटल के लिए की गई है। तो सबसे ज़्यादा किस में की गई, मसूर में की गई है, उसके अलावा सरसों में की गई है, 400 रुपये प्रति कुंटल किया गया। अब देख सकते हैं इसको फसल को 2021-22 के लिए MSP और 2022-23 के लिए MSP अब कितना का वृद्धि किया गया इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गेहूं का, जो गेहूं का पहले था 1975 था, अब कितना हो गया, 2015 रुपया हो गया समर्थन मूल्य, 40 रुपये का वृद्धि किया गया। जौ का, जौ 1600 रुपये प्रति कुंटल था, अब 1635 रुपया कुंटल हो गया, अब 35 रुपये का वृद्धि किया गया। चना उस समय था 2019-20 में 5100 रुपये, अब 2022-23 में कितना हो गया है, 5230 रुपया, 130 रुपये की वृद्धि की गई। मसूर में पहले 5100 रुपया था, अब 5500 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, 400 रुपये प्रति कुंटल का वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं जो अभी सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है उसका, अभी उसका प्राइस है 4650 रुपये प्रति कुंटल सरसों है, अभी उससे बढ़ाकर कितना किया गया है, 5050 रुपये प्रति कुंटल किया गया है, 400 रुपये का हाइक दर्ज किया गया है। कुसुम जो सनफ्लावर बोलते हैं, कुसुम सनफ्लावर, इसमें 114 रुपये का वृद्धि किया गया, अभी 5441 रुपये प्रति कुंटल है। अब देखते हैं खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। खरीफ फसलों के लिए 9 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 हेतु सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान किया है। सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है 452 रुपये प्रति कुंटल की तिल के न्यूनतम समर्थक मूल्य 7307 रुपये में हुई है, जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल जो हुआ है बाजरा के मूल्य पर 85% है। नेक्स्ट में देखते हैं 2021-22 की सत्र के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रति कुंटल में देखते हैं। धान सामान्य की अगर बात किया जाए तो 2020-21 में MSP था 1868, उसको बढ़ाकर 21-22 में किया गया 1940 रुपये। इसमें से अगर एक किस्म की धान एक किस्म की बात करें तो 2021-22 में 1960 था, ज्वार में 2738 रुपये, और ज्वार मल डांडी की बात करें 2758 रुपये, बाजरा की बात करो 2250 रुपये प्रति कुंटल, रागी का 3337 रुपये प्रति कुंटल, मक्का है 1870 रुपये प्रति कुंटल, तूर अरहर जिसे बोलते हैं, अरहर की दाल भी बहुत महंगा है, तो 6300 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, 6300 रुपये किलो के हिसाब से समझ लो। मूंग है इस समय 7275 रुपये प्रति कुंटल मूंग का दाल। उड़द है 6300 रुपये प्रति कुंटल। मूंगफली है 5550 रुपये प्रति कुंटल। सूरजमुखी का बीज है 6015 रुपये। सोयाबीन पीला 3950 रुपये प्रति कुंटल। जो तिल है 7307 रुपये प्रति कुंटल। नाइजर सीड है 6930 रुपये प्रति कुंटल। कपास मध्यम रेशा 5726 रुपये प्रति कुंटल। कपास लंबा रेशा जो है 6025 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। तो अभी इस हम लोग का कृषि वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे उद्योग क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके विषय में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।